हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालविया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप जो है अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ICICI बैंक एक ग्रेट चॉइस है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों ICICI बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का बैंक है जो कि आपको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। दोस्तों यहां पर ICICI बैंक में जो है आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह से ओपन करेंगे, जीरो बैलेंस अकाउंट करने के लिए आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज लगने वाली है, सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आप जो है जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे ही अपने मोबाइल से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक एक भी बार विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। वीडियो केवाईसी के माध्यम से आपका अकाउंट हैंड टू हैंड जनरेट कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा फुल वीडियो केवाईसी करके अपना ICICI बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कंप्लीटली प्रोसेस आप लोगों को आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैंने आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप जो है इस वाली लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जो है इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज दिखाई देता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑफर फॉर यू, यहाँ पर आपको जो है सेविंग अकाउंट पर कुछ ऑफर चलते हुए दिखाई देंगे। तो अगर आपको यहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो आपको जो है यहाँ पर सेविंग अकाउंट वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको ओपन नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे आपका एक ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर पैन नंबर एंटर कर देना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद आपको इस वाले टर्म को एक्सेप्ट करना है। जैसे आप टर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लीज वेट का पॉपअप शो होगा। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपको ओटीपी बाय मिस्टेक नहीं जाता है तो आप रीसेंट ओटीपी का यूज करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का पॉपअप शो होगा, प्लीज वेट। अभी यहाँ पर आपका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको जो है एक ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको इस बॉक्स में फिल करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल का ओटीपी इंटर करेंगे तो आपको दोबारा से इस तरह का प्लीज वेट का पॉपअप शो होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको फिर इस तरह का पॉपअप शो होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपके आधार कार्ड के अनुसार जो भी डिटेल है आपकी वो ले ली जाती है, जैसे कि आपका नाम वगैरह जो भी है यहाँ पर ले लिया जाता है। आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। आप अगर मैरिड है तो आप यहाँ पर मैरिड वाले पे टिक मार्क करेंगे, सिंगल है तो आप सिंगल वाले पे टिक मार्क करेंगे। यहाँ पर आपको जो है सिटी ऑफ बर्थ, आपका जो भी बर्थ सिटी है उसको एंटर कर देना है। ऑक्यूपेशन आपको आपका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आप जो भी काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप में आप जो है सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आप खेती का काम करते हैं, आप शॉपकीपर है, आप सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर से आपको इनकम होता है, बिजनेस से आपको इनकम होता है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपको जो है इनकम रेंज, आपका इनकम रेंज क्या है, एक साल में आपकी इनकम क्या है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, आपका एजुकेशन ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है, जो भी है आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है नॉमिनी डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें अगर आप जो है नॉमिनी की डिटेल को ऐड करना चाहते हैं तो आप नॉमिनी की डिटेल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अपनी माता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। पर अगर आप जो है नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड नॉमिनी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो है नॉमिनी का रिलेशनशिप बताएंगे कि आप किसको नॉमिनी रखना चाहते हैं, पिता को नॉमिनी रखना चाहते हैं, माता को नॉमिनी रखना चाहते हैं, या वाइफ को नॉमिनी रखना चाहते हैं, जो भी आपका जीवन साथी है उसको नॉमिनी रखना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ पर फिल करेंगे। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपकी परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन शो होगी, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह का एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसमें कि आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो होगी। यहाँ पर आप
सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैंने इसको जो है सिक्योरिटी रीजन के पर्पज से ब्लर किया है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। आपको सिंपली यस वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके लिए आपको जो है यहाँ पर दोनों चेकबॉक्स को चेकमार्क करना रहेगा, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म करना रहेगा, आई कन्फर्म दैट, क्लियर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप वीडियो केवाईसी के द्वारा अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का टर्म्स आ जाएगा। आपको सिंपली ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है एंड वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं फंड ऐड करने के। पहली बात तो आप यहाँ पर जो है 95,000 ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर आप जो है 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस आपको रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप जो है 20,000 का अमाउंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर दो में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करना होगा। यहाँ पर आपको 95,000 रुपीज ऐड करना रहेगा, जिसमें कि आपको मंथली बैलेंस एवरेज बैलेंस जो है उसको जीरो ना होगा। इसमें आपको किसी भी तरह का बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जो है 20,000 के साथ में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 10,000 मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जिस भी अकाउंट के साथ में यहाँ पर बढ़ना चाहते हैं उस वाले अकाउंट को आप यहाँ टिक मार्क करेंगे। टिक मार्क करने के बाद आपसे यहाँ पर अमाउंट विल बी क्रेडिट ऑन ICICI सेविंग अकाउंट ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर भीम UPI गूगल पे या ICICI के माध्यम से जो फंड है इसको ऐड कर देना है। यहाँ पर आप ऐड अनदर UPI ID किसी दूसरे UPI ID से भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपना UPI ID डालेंगे एंड ऐड फंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से अपना फंड ऐड कर देते हैं तो आपका जो है वीडियो KYC के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप जो है वीडियो KYC करवाएंगे। वीडियो KYC में एक कोई भी ICICI का मैनेजर या कोई भी ICICI बैंक का कर्मचारी आपके साथ वीडियो कॉल पर जुड़ जाएगा और वो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड देखेगा, ओरिजिनल पैन कार्ड देखेगा। एक ब्लैंक पेपर पर आपको जो है साइन करके उनको दिखाना रहेगा, जिससे कि इसकी पुष्टि होगी कि आप वही व्यक्ति है जिसने अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई किया है। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ से अकाउंट नंबर भी मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है ICICI बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब काफी सारे लोगों के कमेंट्स मेरे पास ये आ रहे थे कि सर अगर हम यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा अमाउंट इसमें डालेंगे तो फिर ये पैसा निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप जितना भी पैसा इसमें डालेंगे अकाउंट खोलने के लिए, जैसे कि जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए आपको 95,000 रुपीज यहाँ पर इसमें डालना रहेगा, तो ये पेमेंट अगर आप डाल देते हैं तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब आपका जब डेबिट कार्ड आ जाता है तो आप इन पैसों को निकाल भी सकते हैं। जीरो बैलेंस का मतलब कि अगर आप जो है अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं रखेंगे तो आपको जो है ICICI बैंक की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी तरह से फ्री है ये। इसका आप जो है यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर जो इमीडिएटली फंडिंग होती है जो कि अकाउंट ओपन करते टाइम आपको यहाँ पर डालना ही होगा। अगर आप जो है यहाँ पर इस पेमेंट को डाल देते हैं उसके बाद आपका जो है जीरो बैलेंस अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाता है और उसके बाद आप जो है इस पेमेंट को निकाल भी सकते हैं या नेट बैंकिंग के माध्यम से इस पेमेंट को अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बताया कि किस तरह से आप जो है ICICI बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और हाँ, अगर आप जो है हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिए। ऊपर आपको ब्लू कलर का बटन दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेज और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।